So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के Y36 डिवाइस के अंदर आप जो है किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कैसे कर सकते हैं। हाइड मींस कि जो भी आपको एप्लीकेशन आपको होम स्क्रीन पर दिखते हैं, अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं, मींस कि छिपा के रखना चाहते हैं, वैसे नॉर्मली बच्चे वगैरह ज्यादा करते हैं, फ्री फायर वगैरह सा गेम खेलते वगैरह हैं, तो ये लोग हाइड करते हैं पेरेंट्स ताकि ना देखें। तो अगर आप ऐसी चीजें करना चाहते हो तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। वेल गाइस, चलो डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं एप्लीकेशन को हाइड कैसे करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। गाइस, फोन के अंदर एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए सबसे पहले तो सेटिंग्स को ओपन करना होगा। हमने सेटिंग को ओपन किया, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, एक सेटिंग्स मिलेगी सिक्योरिटी का, एक बार आप प्रेस करेंगे, देन अगेन आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, प्राइवेसी एंड ऐप डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन होगा, इसको आप प्रेस करेंगे, देन यहाँ पर आपको 6 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। ये ऐप लॉक और आईफाई दोनों के लिए होता है। अभी हमारी करंट टाइम पे स्क्रीन जो है ब्लिंक होगी, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, डार्कनेस होगी सिर्फ। देखो, ये सिक्योरिटी रीजन के लिए ये चीजें स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं आती, बट आपको मैं बता रहा हूँ जो भी चीजें मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ आप उसको फॉलो करिए। यहाँ पर पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर आपको 6 अंकों का पासवर्ड आप बना सकते हो 6 डिजिट पासवर्ड क्रिएट करके। पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें 3 ऑप्शंस और मिल जाएंगे, 3 मोर पासवर्ड ऑप्शंस लाइक अल्फा नंबरिंग, 4 डिजिट और यहाँ पर पैटर्न्स भी मिल जाता है, आप उनको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पैटर्न को यूज करूंगा। जो भी पासवर्ड आप एंटर करें उसको 2 बार एंटर करना होता है, एक बार आपने लगाया फिर से बोलेगा वेरीफाई न्यू पासवर्ड, अगेन आपको उसे कर देना है। जैसे आप करती हैं तो इस वाले नए पेज पे आ जाएंगे, जहां पर सेट सिक्योरिटी क्वेश्चंस नाम से एक वाला डैशबोर्ड ओपन होगा, जहां पर 2 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होंगे। आंसर आप रेंडमली कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एक्चुअल में इसका काम क्या होता है, देखो इसका काम ये होता है कि अगर आप इनकेस अगर पासवर्ड अपना भूल गए, जो आपने हाइड करा है एप्लीकेशन वगैरह, तो इस 2 क्वेश्चन के आंसर जो भी यहाँ पर देंगे, उस दोनों क्वेश्चन के आंसर देकर आप इजिली उसे फॉरगेट कर सकते हैं। बसते आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन का हमने क्या आंसर डाला है। मान लीजिए मैं अपने नाम का फर्स्ट एंड लास्ट डॉट टाइप कर लेता हूँ, इसके बाद डन कर देता हूँ, तो हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसके बाद हाइड ऐप पे क्लिक करना है, ऐप हाइडिंग जो आ रहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ, 2 फिंगर से भी अपने हिडन एप्लीकेशन जो आपने हाइड करा है उसको देख सकते हैं। इसके लिए इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना। आगे मैं इसका भी डेमो करता हूँ। Amazon एप्लीकेशन है, इसको प्रेस करेंगे, ये एक यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर बॉक्स को चेक बार कर देंगे, ओके कर देंगे, तो रिमाइंडर नहीं बार बार कराएगा, जितना मर्जी चाहे एप्लीकेशन को हाइड कर सकती है। बैक करना है, व्यू हिडन एप्स पे क्लिक करके आप जो भी एप्लीकेशन आपने हाइड करी हुई है वो आपको दिख जाएगी, यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको होम पेज पर आना है। अगर आप ऐप ड्रॉअर यूज करो तो साइड में करके स्वाइप अप करना कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने करा। अगर आप स्टैंडर्ड मोड यूज करो तो कहीं से भी स्वाइप अप कर देना 2 फिंगर को। पासवर्ड एंटर करेंगे तो जो भी आपने एप्लीकेशन को हाइड करी होगी वो आपको दिख जाएगी, आप यहां से आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप कि आप समझे होंगे एप्लीकेशन को हाइड कैसे करना है Vivo के Y36 डिवाइस के अंदर।